रीवा में भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पर खुशी मनाते हुए उद्यम स्थल के माँ नंदा सुनंदा मंदिर में पूजा अर्चना की गई। साथ ही सभी को शुभकामना दी तथा सभी के कल्याण की कामना की गई। क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य पूरन सिंह गढ़िया तथा पूर्व जिला पंचायत सदस्य योगेश हरड़िया के नेतृत्व में क्षेत्रीय जनता ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना देश के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। उन्होंने कहा कि इस क्षण के लिए करोड़ों हिंदुओं ने सालों इंतजार किया तथा कई राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी है। आयोजकों ने सभी की मंगल कामना करते हुए इसे ऐतिहासिक क्षण करार दिया। राम जन्मभूमि अयोध्या के तहत देश के प्रधानमंत्री का आह्वान के साथ दीपक जलाने का प्रोग्राम सारे देश में किया गया है, तो हमारी ग्राम पंचायत के लोग भी आज माँ नंदा भगवती के मंदिर उद्यम स्थल में दीपक जलाए जा रहे हैं और हमारे गांव के सभी गांववासी यहां पर उपस्थित हैं और हम सारे गांववासी को, देशवासियों को और विश्व के जो संत महात्मा हैं उन लोगों तक भी जिन्होंने इस संसार को कुछ दिया है, जिनके बल पर हमारा देश संसार चल रहा है, हम इस देश के लिए हमारे होनहार बच्चे, युवक साथी, शिक्षागण, हमारे जनप्रतिनिधिगण सब देश के लिए हर हमेशा के लिए तत्पर रहेंगे और ये भगवान की जो आस्था पहले से ही है उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा सारे संसार को आह्वान करते हुए ये बना रखा है उन्होंने। आज भगवान राम के मंदिर की जो अयोध्या में मंदिर बना है उसकी प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व संध्या पर हमारे ग्राम पंचायत के द्वारा यहाँ पे माँ नंदा मैया उद्यम स्थल में आप दीपदान का कार्यक्रम किया गया, जिसमें जो है पूरे जो आज राम मंदिर के लिए जिनने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिनने अपनी प्राणों की आहुति दी है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देशवासियों को, पूरे जिलेवासियों को और पूरे ग्राम पंचायतों को जहाँ जहाँ तक भी एसोसिएशन की आवाज़ जा रही है सबको मैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर हार्दिक बधाई देता हूँ और भगवान राम से की प्रार्थना करता हूँ कि आप पूरे विश्व को शांतिमय सुखमय रखते हुए अपनी दया दृष्टि सब बनाए रखेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ सभी लोगों का जो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम सब लोगों का परम सौभाग्य है और इतिहास के एक ऐसे स्वर्णिम पलों के हम साक्षी बनने जा रहे हैं जब हमारे आराध्य प्रभु श्री राम 500 वर्षों के बाद अयोध्या में जो है आज विराजमान होने के इस अवसर पर हमारे ग्राम पंचायत सुरकाली गांव में माँ नंदा और सुनंदा की इस ऐतिहासिक प्रांगण में हम लोगों के द्वारा भी जो है यहाँ पर दीप यज्ञ का आयोजन किया गया। प्रभु राम के विराजमान होने की खुशी में जो है उनका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए सारे ग्रामवासी यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए एकत्र हुए हैं। मैं समस्त ग्रामवासियों का भी बहुत आभार व्यक्त करूँगा, धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।